नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। मेरे किसान भाइयों, ये चैनल आप ही का चैनल है और मैं भी एक किसान हूँ, आप भी एक मेरे किसान भाई हो। तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और व्हाट्सअप करें, सब्सक्राइब करें, तो बगल में बेल घंटी है वो भी आप जरूर दबाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं खेती बाड़ी की, और खेती बाड़ी के अंदर विषय रहेगा मेरे किसान भाइयों मिर्ची की फसल। तो आज हम मिर्ची की फसल के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने ये मिर्ची का पौधा है, ये हमारा मिर्ची का पौधा है बिल्कुल, और ये मिर्ची का पौधा हमारा कम से कम 4 महीने का हो गया है। इसको खेत में लगाए हमारे को 4 महीना, 4 महीने की फसल हो गई है हमारी मिर्ची की है। और समस्या इसके अंदर ये आ रही है मेरे किसान भाइयों, ये महीना चल रहा है 31 मई और टेम्परेचर चल रहा है अभी कम से कम 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है, हाई टेम्परेचर। लू बहुत भयंकर लू चल रही है अभी राजस्थान जयपुर के अंदर। तो इसी प्रकार मेरे को कई किसान भाइयों ने पूछा कि विकास जी, आप कुछ वीडियो बनाइए मिर्ची के ऊपर, और ऐसी ये जो फल देख रहे हो आप, ऐसी फल की ऐसे मिर्ची की हालत ये हो रही है, ये आधी आधी जड़ी सी हो रही है, ये देख लीजिए। और भी मैं बता देता हूँ, तो जब ऐसी स्थिति आपकी मिर्ची को हो तो ये मुख्य कारण इसका क्या है, मैं ये भी बता देता हूँ। किसान भाइयों, मैं हमेशा टेक्निकल खेती करता हूँ और टेक्निकल तरीका से सस्ते सुंदर टिकाऊ मैं उपाय बताता हूँ, और रोगों की रोकथाम भी मैं देसी तरीके से बताता हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ तो किसान की भांति मैं समझता हूँ कि किसानों को किस लैंग्वेज में समझाना चाहिए। और इसकी ये रोग तो इसमें लग रहा है मिर्ची के अंदर, दूसरी बात यह है कि इसके अंदर माथाबंदी का रोग भी है। इसको ये देख लीजिए, ये पत्ते सिकुड़ जाते हैं। अब इस मिर्ची के पौधे का देख लीजिए, पत्ते सिकुड़ रहे हैं ऊपर से, और पत्ते सिकुड़ने के साथ साथ मिर्ची की हालत ये भी हो रही है। तो इसका जो हम उपचार करने वाले हैं मेरे किसान भाइयों, तो उपचार तो मैं बता दूंगा पहले, और इसकी फसल के बारे में बता देता हूँ। इसकी फल की बात करें तो ये देख लीजिए, फल भी इसका थोड़ा थोड़ा पीला पीला कलर दे रहा है, और पीला होकर ये ऐसी फल गलन हो रही है, मिर्ची की गलन हो रही है, ऐसे ये गल जाती है मिर्ची यहाँ से। और इसमें देखें तो इसका कलर भी थोड़ा डिफॉल्ट हो रहा है, पीले कलर की मिर्ची हो रही है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, मैं आज यही कारण बताने जा रहा हूँ आपको। और ये जो पत्तों की हालत देख लीजिए, पत्ते मुरझा रहे हैं बिल्कुल, तो इसको हम या पत्ते का रोग बोल सकते हैं या माथाबंदी का रोग भी बोल सकते हैं। और ये अभी चालू शुरुआत ही है, पत्तों के अंदर ये सिकुड़न अभी शुरुआत हुई है, परंतु इसका उपचार आराम से हो जाएगा। देख लीजिए मेरे किसान भाइयों, ऊपर से सिकुड़न हो रही है, पत्ते सिकुड़ रहे हैं, और जो मिर्ची लग रही है तो मिर्ची के फल गलन चालू हो रही है फलों के अंदर। तो इसका मुख्य कारण यह है कि हाई टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर चल रहा है तो 42 से अभी टेम्परेचर है 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है, तो हाई टेम्परेचर का इस मिर्ची पे फर्क पड़ रहा है, हाई टेम्परेचर का। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो स्प्रे करेंगे इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे। तो नीम ऑयल की मात्रा भी मैं बता देता हूँ कि एक बीघे के अंदर 250 से 300 ग्राम नीम ऑयल ले आप, और 100 लीटर पानी के अंदर 80 से 100 लीटर पानी के अंदर वो मिलाए, और 250-300 ग्राम ले सकते हो, और नीम ऑयल 500 ग्राम भी ले सकते हो, क्योंकि नीम ऑयल कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है, कमती ज़्यादा भी रह जाए तो आप 250 से 500 ग्राम नीम ऑयल ले लीजिए, और 100 लीटर पानी के अंदर या 100-100 लीटर पानी के अंदर आप ये आइडिया लगा लीजिए कि आपकी एक बीघे की फसल के अंदर कितना पानी लगेगा। उस पानी के अंदर आप 250 ग्राम से लगाकर 500 ग्राम तक आप नीम ऑयल पानी के अंदर ऐड करके, और आप सबसे पहले मिर्ची की फसल पर स्प्रे करें। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सिंचाई है मिर्ची के पौधे की, जो हम सिंचाई करेंगे तो ये जो फल पीले हो रहे हैं
इसका मुख्य कारण एक और होता है कि ये जो पौधे के अंदर जो नमी देख रहे हो, ये नमी ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। करीब हम रोज इसमें पानी चलाएं आप, पर एक डेढ़ घंटे से ज्यादा पानी ड्रिप, अगर आप कई किसान बार ड्रिप से सिंचाई करते हैं, ड्रिप सिस्टम से मिर्ची की पैदावार करते हैं, तो ज्यादा सिंचाई ना करें, एक डेढ़ घंटे रोज पानी चलाएं, रोज देना है, एक साथ नहीं चलाना है, चार पाँच घंटे, पाँच घंटे, छः घंटे एक साथ चला दिया मिर्ची में, ज़्यादा पानी दे दिया, ज़्यादा सिंचाई कर दी, तो लिमिट की सिंचाई करनी है, जिससे मिर्ची की जड़ों के अंदर भी कोई जड़ संबंधी रोग ना लगे। और सिंचाई पे ध्यान दे, और नीम ऑयल का स्प्रे हम करेंगे तो इससे क्या होगा, ये जो फल सड़ रहे हैं और ये पत्तियाँ जो सिकुड़ रही है, एक तो इनका उपाय हो जाएगा, दूसरा क्या है कि दूसरा उपाय इनका क्या है कि इसमें पोटेशियम की कमी भी है, जो पोटेशियम की कमी है तो थोड़ा सा इसके अंदर पोटाश भी दे, या ऑर्गेनिक पोटाश बना सकते हैं, बिलपत्र वगैरह कई कई ऐसे सिस्टम है ऑर्गेनिक भी, तो इसमें थोड़ा पोटेशियम की मात्रा भी दे, तो जिससे इसमें हरापन आ जाए और फल भी बढ़िया इसके साइज का फूले। तो मैंने बता दिया, और अगला वीडियो फिर मैं मिर्ची के ऊपर बनाऊँगा मेरे किसान भाइयों, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, भारत के अंदर सभी किसानों के साथ शेयर करें, और जो रेड कलर का सब्सक्राइब है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।